हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम अभी करंटली कवर कर रहे हैं जेके एसएसबी सुपरवाइजर का इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन। इंडियन हिस्ट्री ये आपके जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके वाला पार्ट है। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम के। एंड उसमें जो हमारा स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, सारा सिलेबस उसका। करंटली उसकी रिविजन, दैट इज योर मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है, प्लस आपका एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। और जो जीके वाला पार्ट है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है। करंटली हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कवर कर रहे हैं। एंड मैं अपनी चैनल पे यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी, अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं इनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी भी कवर करवा रही हूँ। करंटली हम नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक कवर कर रहे हैं। पेपर ए हमारा कम्प्लीट हो गया है एंड पेपर बी जो है उसके लास्ट के 3-4 चैप्टर्स रहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 90% हमारा कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। जल्दी मैं इस पे कंप्यूटर सेक्शन जो है आपके सुपरवाइजर के एग्जाम का, उसके वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। इन केस यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू माय चैनल, आप वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा यूपीआई आईडी जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप देख सकते हैं, या आप चाहें तो आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में वो हार्ट के अंदर डॉलर वाला साइन जो है वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम थोड़ा रिविजन देखते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। ये हमारा आई गेस 7th लेक्चर है इंडियन हिस्ट्री का, ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आई थी इंडिया में, मोस्टली स्पाइसेस कट के ट्रेड के लिए, ठीक है। तो 1600 में आए। एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा जो सिलेबस का पोर्शन में कवर करवा रही हूँ, वो हम ट्रेस करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से। 1857 में रिवोल्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1858 में, ठीक है। ये स्टार्टिंग का रिविजन है, ये ऑलरेडी इसके डिटेल लेक्चर जो है वो आपको उसकी प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का जो रूल है, दैट मीन जो ईआईसी कंपनी का रूल था वो एंड हो गया एंड ब्रिटिश क्वीन जो है उन्होंने अपने हाथों में सारा ले लिया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन देखी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिश होने से पहले बनी थी एंड उनके लीडर्स के नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे। फिर हमने देखा 1885 से आईएनसी का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया, आईएनसी आपकी एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया था डिफरेंट फेजेस में। 1885 टू 1905 आपके मॉडरेट्स वाला फेज था, ये मैंने कहा जैसे जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, जो बातों से ज्यादा काम करते हैं एंड समझाने वाला काम इनका ज्यादा होता है, इनके अंदर वो यंग ब्लड, वो पैसिवनेस वगैरह वो इनमें नहीं होती है। फिर 1905 टू 16 एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज आया, इसमें हमने देखा पार्टीशन हुआ, ठीक है, बाद में उसको एनएल भी किया गया, तो वो सारी पार्टीशन रिलेटेड चीजें हमने यहाँ पे देखी। फिर हमने देखा 1905 का सेशन बनारस में हुआ जिसमें एंटी पार्टीशन मूवमेंट को एंडोर्स किया गया। 1906 का सेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ, जहां पहली बार बोला एम ऑफ आईएनसी क्या है, स्वराज और सेल्फ रूल, ये पहली बार कहां बोला था, कलकत्ता के सेशन में। फिर 1907 में और एक सेशन सूरत में हुआ जहां पे सूरत स्प्लिट हुआ, तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है वापस में अलग हो गए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर लखनऊ पैक्ट वगैरह, 1916 होम रूल मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी फेज, वो सारा हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो आप रिवाइज कर लोगे। फिर कल हमने गांधीयन फेज स्टार्ट किया, आगे देखते हैं। अच्छा, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हमने इंपॉर्टेंट काफी एक्टिविटीज हमने देखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें गदर थी, ठीक है। जो गदर ये ग्रुप था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये इनके अटैक लॉन्च, इन्हें अटैक लॉन्च किया था 21 फरवरी 1915। तो उसके पीछे क्या रीजन थे, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है, वो शिप वाला इंसिडेंट, ठीक है, जब एक शिप को कैरिंग इंडियन माइग्रेंट्स, उनको कनाडा नहीं जाने दिया गया था, वहां रोका था एंड वहां से उनको वापस मुड़ाया गया था, कलकत्ता पहुंचे थे तो उन पर फायरिंग हुई थी, काफी डेथ्स वगैरह हुई थी, ये एक इंसिडेंट एंड वर्ल्ड वॉर 1। तो ये बड़े दो रीजंस थे जिस वजह से गदर पार्टी जो है उन्होंने एक अटैक जो है वो लॉन्च किया था 21 फरवरी 1915, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि पहले ही ब्रिटिशर्स को पता चल गया था ऐसा कुछ होने वाला है एंड इस अटैक को फॉइल किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी, मैं बस आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि
कंप्लीटली स्क्रैच से सारा रिवाइज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे आगे का भी कवर करना है। फिर कल हमने गांधीयन फेज देखा, 1914 टू 16 उन्होंने इंडिया का टूर किया अपने पॉलिटिकल मेंटोर के कहने पे, जिनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। फिर यहाँ पे 1917 से उन्होंने केक खाना स्टार्ट किया, दैट इज द चंपारण अहमदाबाद एंड खेड़ा। चंपारण जो था ये किसके रिगार्डिंग था, आपका इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये किसके रिगार्डिंग थी, आपकी प्लेग बोनस, ठीक है। एंड खेड़ा सत्याग्रह ये किसके रिगार्डिंग था, आपका क्रॉप फेलियर। तो इसके डिटेल जो है वो हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। फिर रोलैट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, 1919, जिसमें आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो फॉर 2 ईयर्स विदाउट एनी ट्रायल, एंड किसी का भी हाउस आप सर्च कर सकते हो विदाउट एनी सर्च वारंट, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ था, एक वन डे रोलैट सत्याग्रह गांधी जी ने कहा था कि इसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। वहां पे अमृतसर में 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, एक आपके सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलत, ठीक है। तो इनके अरेस्ट के अगेंस्ट क्या हुआ था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक ओपन स्पेस में जमा हुए थे जहां की 2 एंट्रेंसेस थी, जो जनरल ओ डायर के कहने पे, जनरल डायर के कहने पे वो एंट्रेंस को ब्लॉक किया गया था, एंड उनपे जो है फायरिंग हुई थी, काफी वहां पे डेथ्स हुई थी। तो उस इवेंट का क्या नाम है, जलियांवाला बाग मैसेकर। उस बाद में इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई थी, जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी, बट दैट वॉज मेयर आई वॉश, क्योंकि कुछ खास काम उस कमेटी ने नहीं किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको जो नाइटहुड मिला था थ्रू ब्रिटिशर्स, उन्होंने उस नाइटहुड को क्या किया था, रिनाउंस किया था, दैट मीन्स उसको वापस दे दिया था, ठीक है। एंड आगे हमें क्या देखना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो किसका एक रिजल्ट था, आपके जलियांवाला बाग मैसेकर का, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, आज हम कवर करेंगे हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये कवर करने से पहले हमें देखना होगा बैकग्राउंड में क्या हुआ था, जिसकी वजह से उनको, गांधी जी को खासकर लगा कि एप्ट टाइम है, ये एक्यूरेट टाइम है जब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हम लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा पहले जाना होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, 1914 टू 1918 जो है हमारा वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर वन में आपको, और तो ये कंसेप्चुअल है, अगर आप याद ना भी रखो आई डोंट थिंक वो आपसे पूछेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्चुअल काफी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि फैक्ट्स मेमोराइज करना आपके लिए ईजी हो जाए। तो 2 पार्टीज थी, एक आपकी एलीट थी एंड एक आपकी एक्सेस पार्टी थी, सेंट्रल पावर, एक आपका एलीट पावर से एक आपके सेंट्रल पावर थे, ठीक है। एलीट पावर की कंट्रीज कौन कौन सी थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। और जैसे मैं यहां पे लिख रही हूं बिल्कुल वैसे ही आप अपने नोट्स भी बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ऑल्दो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर लेती हूं, लेकिन जो भी व्हाइट बोर्ड का लेक्चर है उसकी पीडीएफ मैं आपको नहीं दे सकती, बाकी सारे पीडीएफ मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। एंड ऑटोमन टर्क्स, ठीक है। तो इन दो पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर वन, मेजर पावर्स यही थे, तो इसमें जीत किसकी हुई थी, आपकी एलीट पावर्स की विक्ट्री हुई थी। अब इनके जीतने की वजह से क्या हुआ था, काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज जो है वो साइन करवाई थी सेंट्रल पावर को, ठीक है। ट्रीटी साइन हुई थी जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ एंड ऑटोमन टर्क्स के साथ भी। अब आपको पता है टर्क्स जो थे वहां पे क्या था, खलीफा राज, तो मुस्लिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे खिलाफत वाला वो सब चल रहा था, ठीक। तो खिलाफा, जैसा जिनको नहीं पता है, खलीफा को कैलिफ भी बोलते हैं, मुस्लिम लीडर, ठीक है। और वहां पे क्या चल रहा था, उन्हीं के अंडर रूल था, ठीक है। तो मुस्लिम इस्लामिक रूल वहां पे चल रहा था, एंड जो ट्रीटी साइन की गई थी ऑटोमन टर्क के साथ, उसको, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवेर्स। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ऑटोमन रूलर है उनको, ऑटोमन रूलर को सप्रेस किया गया था। तो मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा एक रिलीजियस वैल्यू जो है वो एसोसिएट करते हैं खलीफा के साथ, कैलिफ के साथ, ठीक है। तो हुआ क्या, जब उनको डिसमेंबर किया गया और उनको सप्रेस किया गया ऑटोमन रूलर को, तो इससे मुस्लिम्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट सैडन्ड द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुस्लिम्स हर जगह ये हो गए, निराश हो गए, सैडन्ड मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनके एक रिलीजियस फिगर को ह्यूमिलेट किया गया था, मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनके रूल को सप्रेस किया था, ठीक है, ऑल ओवर द
वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या लगा, अभी तक मुस्लिम्स को लगा हम ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे, हमने पार्टीशन बंगाल में भी इनका साथ दिया, लेकिन हमें वापस क्या मिल रहा है, ब्रिटिशर्स जो है वो मुस्लिम्स के सेंटिमेंटल वैल्यू का ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस इवेंट के बाद क्या हुआ, इसने इन्फ्यूरिएट किया था मुस्लिम्स को। अब मुस्लिम्स भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के खिलाफ थे और गांधी उन्होंने हमेशा से यूनिटी की बात की, तो उनको लगा ये एप्ट टाइम है अगर हम मुस्लिम्स का जो इशू है खिलाफत वाला, अगर हम इस इशू के साथ अपने सारे इशू भी मिलाएंगे तो मुस्लिम्स भी हमारे साइड हो जाएंगे और हिंदू मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड होके क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई पहले इंडिया में, खिलाफत मूवमेंट जो इंडियंस ने स्टार्ट की अगेंस्ट ब्रिटिश, और वो किन्हें स्टार्ट की थी, स्टार्टेड इन इंडिया बाय अली ब्रदर्स, जिसमें आपके मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, तो गांधी को लगा कि यही वो एक्यूरेट टाइम है जब हम अपना नॉन कोऑपरेशन वाला जो मूवमेंट है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। और तो काफी लीडर्स ने इस पर एतराज जाहिर किया कि जो रिलीजियस इशू है उसको पॉलिटिकल इशू के साथ हमें नहीं मिलाना चाहिए, बट देन गांधी जी की बात ही फाइनली मानी गई और खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एक यूनाइटेड मूवमेंट जो है वो इंडिया में चली। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लो। August 31st, 1920 को खिलाफत कमिटी जो है उसने स्टार्ट किया था कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत कमिटी ने स्टार्ट किया था एक कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली पहले नॉन कोऑपरेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, खिलाफत कमिटी से, कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड। ठीक, और यहां पे एक चीज देख लो, जो खिलाफत इशू अराइज हुआ था उसकी वजह से एक ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी बनी थी, ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी, एंड गांधी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया था इस खिलाफत इशू में, वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो जो खिलाफत कमेटी की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, उसके प्रेसिडेंट किसको चूज किया गया था, गांधी को, क्योंकि इन्होंने काफी पर्सनल इंटरेस्ट इस खिलाफत इशू में लिया था। ठीक है, तो ये जो है खिलाफत इशू, इसको गांधी ने इनको लगा कि ये एक्यूरेट टाइम है, हम खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन को क्या करेंगे, हम साथ में मिलाएंगे। एंड और यहाँ पे आप देखो सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था, सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, स्पेशल सेशन एट कलकत्ता, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कांग्रेस का सेशन हुआ था आईएनसी का, तो उन्होंने इसमें अप्रूव किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अप्रूव्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहां पे देख लो, पहले August 31st, 1920 को खिलाफत कमेटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की, फिर आईएनसी ने कब की, सितंबर 20 को एक स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, स्पेशल सेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी आईएनसी का सेशन हुआ है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, दिसंबर के अराउंड, पर यहाँ पे जब खिलाफत इसने लॉन्च किया, मुस्लिम्स ने, इसने खिलाफत कमेटी ने जब एनसीएम लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑगस्ट में, तो उसके साथ ही सितंबर में स्पेशल सेशन होल्ड किया गया आईएनसी का एट कलकत्ता, जिन्होंने अप्रूव किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद जिनका सेशन होने वाला था, एंड पे इसका सेशन होता था 1920 दिसंबर में, इसका सेशन जो होने वाला था उसमें क्या किया, बाद में इसको एंडोर्स किया गया कि हाँ हम इस सेशन को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, इसको एनएमसी को एंडोर्स किया गया कि हाँ ये मूवमेंट लॉन्च करना सही था एंड हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और दिसंबर 1920 वाला सेशन जिसमें इसको एंडोर्स किया था ये नागपुर में हुआ था, अगर ये याद नहीं भी रखोगे चलेगा, स्पेशल सेशन कलकत्ता का ये याद रख लेना, एंड सितंबर में ही अप्रूव किया गया था इसको। ठीक है, तो ये था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें इसके काफी रीजन थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, कि क्यों लॉन्च हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहले जो रोलैट एक्ट, ठीक है, लाया गया था ब्लैक एक्ट, उसकी वजह से, अंजलियांवाला बाग मसैकर की वजह से, फिर जो कमेटी बिठाई गई थी उसने भी कुछ काम नहीं किया था, तो काफी इसकी चीजें थे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि इमीडिएट कॉज क्या था
एनसीब लॉन्च करने का, तो इमीडिएट कॉज में आप लिखोगे खिलाफत इशू। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि चीजें ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन जब गांधी जी को लगा कि खिलाफत अब जो है मुस्लिम्स भी अगेंस्ट हो रहे हैं ब्रिटिश के, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है, तो ये एप टाइम है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो उन्होंने एनसीएम जो है उसको एंडोर्स करना शुरू कर दिया कि हाँ हम भी एनएमसी नहीं एनसीएम, हाँ हम भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको क्या करेंगे, हम भी स्टार्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली जब खिलाफत कमेटी उन्होंने इसको स्टार्ट उन्होंने जब लॉन्च की मूवमेंट, तो साथ ही आईएनसी ने भी लॉन्च की। तो जो इमीडिएट इसका कॉज है वो खिलाफत इशू है, अदरवाइज रीजंस इससे पहले जो जो हुए, रोलैट, जलियांवाला बाग मसैकर, या जो 1919 में एक्ट पास किया गया था उसमें भी कुछ खास जो है उनको कंसेशंस नहीं मिली थी इंडियंस को, तो ये सारे जो है इसके बाकी रीजंस बनाते हैं। ठीक, तो इसका एम क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, इसका एम था, एम याद रख लेना क्योंकि एम कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है कि फलानी मूवमेंट का एम क्या था। उसका एम था कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज विद इन अ ईयर। ठीक है, ये इसका एम था। एंड इसका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था, आगे देखते हैं। मेथड ऑफ स्ट्रगल, नॉन कोऑपरेशन, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि नॉन कोऑपरेट करेंगे, दैट मीन्स ये बॉयकॉट करेंगे। किस किन चीजों को बॉयकॉट करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, फॉरेन क्लॉथ्स को, फॉरेन गुड्स को, एंड काफी लोगों ने अपने टाइटल वगैरह जो है वो भी रिनाउंस किए थे। ठीक है, टाइटल वगैरह भी उसको भी बॉयकॉट करेंगे। तो ये सारी चीजें, एंड ने ये भी कहा था जो आने वाले इलेक्शंस का टाइम आने वाला था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इन्होंने कहा हम उन इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, इन इलेक्शंस को भी इनको बॉयकॉट करना था। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब कोर्स ऑफ मूवमेंट क्या था इसका, इसमें जो है ये भी नॉन वायलेंट मूवमेंट थी क्योंकि गांधी जी इसके सरबरा थे, तो नॉन वायलेंट मूवमेंट ही रहेगी। ठीक है, कहीं कहीं आपको हल्की जो है वायलेंस देखने को मिली होगी, लिटिल और नो वायलेंस, लेकिन वो जो टाइम है नॉन वायलेंट का वो सिर्फ अप टू 1922 तक ही मेंटेन रहा। दैट मींस 1920 से लेकर 1922 तक ये मूवमेंट जो है कम्प्लीटली, या थोड़ा बहुत कहीं पे भी ऑलमोस्ट हम उसको नॉन वायलेंट ही कंसिडर करेंगे। लेकिन 1922 में फिर एक वायलेंट इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से दे हैड टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट को रोकना पड़ा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। एंड इसमें क्या और एक इंपॉर्टेंट चीज हुई आपको इसमें याद रखना, वो यही वो मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था चरखा को। ठीक है, वो जो गोल गोल घुमाते हैं ना चरखा, उसको पॉपुलराइज किया था चरखा को इसी मूवमेंट में। ठीक है, एंड और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, जब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसके साथ साथ कुछ रीजनल मूवमेंट्स भी चल रही थी, रीजनल मूवमेंट्स along with NCM। देखो अगर आप हिस्ट्री भी उतनी डिटेल में पढ़ने बैठोगे ना तो काफी लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जीके के पूरे पार्ट में एक पार्ट हिस्ट्री है, फाइन, एंड वो जीके का पूरा पार्ट जो है उसको काफी ऑलरेडी इलेबोरेटेड है काफी, एंड उसके सिर्फ 20 मार्क्स हैं, तो कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड। तो क्या रीजनल मूवमेंट्स थी, एक थी आपकी अकाली मूवमेंट पंजाब की, एंड सेकेंड वन वॉज मोपला अपराइजिंग केरला। ठीक है, तो 1921 में एक 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे एंड उनको भी यहां पे बॉयकॉट किया था, प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रोटेस्ट हुआ था उनके यहां पे आने पे भी। ठीक है, एंड उनके आने पे भी जो है इंडियंस ने एंडोर्स नहीं किया था, and there was protest against his visit also। तो फिर फरवरी 1922 में क्या हुआ था ऐसा जो इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा अचानक से ही, ऑल्दो तब तक ये मूवमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल थी, उसको इंसिडेंट को बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा, तो ये नाम याद रख लेना, चौरी चौरा काफी इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में आ जाता है, इसलिए चोरी चोरा किससे रिलेटेड है। तो ये इंसिडेंट यहाँ पे क्या हुआ था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक पुलिस स्टेशन को इनसर्कल किया था और पुलिस स्टेशन को क्या किया था, आग लगाई थी और अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे वो मर गए थे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है इसने वायलेंट टर्न ले लिया था। तो यहाँ पे गांधी जी को लगा नहीं, अभी इंडियन मासेस जो है वो रेडी नहीं है एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए और उनको नहीं पता है नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है वो कैसी होती है। तो उन्होंने क्या किया, इसको कॉल ऑफ कर दिया इस मूवमेंट को। और तो कई लोग हैं जब ये मूवमेंट अचानक से ऐसे रुक गई, ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। एंड इसमें से काफी ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बाद में वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो है या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो चल रही थी उनके साथ जाके मिल गए थे एंड उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कंटिन्यू रखा था। एंड उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया था कि इस मूवमेंट को क्यों इन्होंने अचानक से गांधी जी ने कॉल ऑफ किया। तो दे चेंज देयर पाथ, इस मूवमेंट को छोड़ के वो आगे जाके रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है, जो कम्प्लीटली आपकी वायलेंट बेस्ड मूवमेंट्स थी जिसमें डकैतीज वगैरह लूटिंग यही सब होता था, तो वो उस उन चीजों में जाके मिल गए थे। ठीक है, एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं जो हमने देखा। तो हमने आज देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहले हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ क्यों था, तो ये देखने के लिए आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट था कि खिलाफत इशू जो है वो क्या था। ठीक है, तो फिर वर्ल्ड वॉर वन पे मैं आपको लेके गई, 1914-18 वर्ल्ड वॉर वन, दो पार्टी थी एलीट एंड सेंट्रल पावर, इनके बीच में लड़ाई हुई थी। जीत किसकी हुई थी, एलीट पावर की, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस थे। यहां से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन टर्क्स, जो किसके अंडर था, खलीफा रूल के अंडर था, खलीफा को कैलिफ बोलते हैं, मुस्लिम रिलीजियस फिगर है, तो मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड उनके साथ खुद को एसोसिएट करते हैं। लेकिन उनके हार के बाद उनको एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो है साइन करनी पड़ी थी, काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, और जो मुस्लिम खलीफा थे उनके रूल को सप्रेस किया गया था। इस वजह से जो मुस्लिम थे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको काफी ज्यादा धक्का लगा था कि ब्रिटेन ने उनके साथ गलत किया है, तो वो भी एंटी ब्रिटिश फीलिंग सेंटीमेंट उनके खिलाफ जो था मुस्लिम्स के अंदर भी वो जाग रहा था। तो एक खिलाफत मूवमेंट जो है अगेंस्ट ब्रिटिश वो अली ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने ऑफिशियली एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की। तो गांधी जी को लगा ये एक एक्यूरेट टाइम है जब वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इसके साथ मिला के इनको मुस्लिम्स को सपोर्ट कर सकते हैं, इससे मुस्लिम्स का सपोर्ट भी मिलेगा एंटी ब्रिटिश और हम एक यूनाइटेड फ्रंट होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है उसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, गांधी जी को। सेप्टेम्बर 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता का और आईएनसी ने अप्रूव किया एनसीएम को। ठीक है, दिसंबर 1920 में एनसीएम ने इसको एंडोर्स किया। फिर इसके रीजंस काफी थे, रॉयल एक्ट था, जलियांवाला बाग था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, लेकिन जो इमीडिएट कॉज था इसका वो क्या था, खिलाफत इशू, और इसका एम क्या रहा था, स्वराज विदिन अ ईयर, की विदिन अ ईयर जो है हमें सेल्फ रूल जो है वो आप दे दो। मेथड ऑफ स्ट्रगल रहा है बॉयकॉट करो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्लॉथ, फॉरेन गुड्स वगैरह को, टाइटल वगैरह वो भी जो है उनको बॉयकॉट करो। एंड जो आने वाले इलेक्शन है आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको भी बॉयकॉट करेंगे हम। ये मूवमेंट नॉन वायलेंट रही टिल 1920 से 1922 तक ही नॉन वायलेंट थी, और इसी मूवमेंट के टाइम पे पॉपुलराइज हुआ था हमारा चरखा। फिर रीजनल मूवमेंट्स भी कुछ चली थी एनसीएम के साथ साथ, वो कौन सी थी, अकाली मूवमेंट पंजाब में, मोपला अपराइजिंग केरला में। 1921 में क्या हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, उनके यहाँ पे आने को भी प्रोटेस्ट किया गया था एंड उनके यहाँ आने को भी क्या किया था, इंडियंस ने बॉयकॉट किया था। फिर 1922 में ऐसा क्या हुआ था कि इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा था, दैट मीन्स रोकना पड़ा था। तो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था जब एक पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई थी, ठीक है, और वहां पे काफी ज्यादा डेथ भी हुई थी। तो वो एक मूवमेंट एक नॉन वायलेंट टर्न ले लिया था, एक वायलेंट टर्न ले लिया था, एंड इसकी वजह से गांधी जी क्योंकि स्टार्टिंग से वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे तो उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था। लेकिन काफी लोग जो है, काफी फ्रीडम फाइटर्स इस चीज से नाराज हो गए थे कि क्यों उन्होंने इस टाइम पे आके इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, तो वो बाद में ये छोड़ के, ये सारे नॉन वायलेंस एंड गांधी जी के फलसफे छोड़ के वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के साथ जाके मिल गए थे। ठीक है, तो आगे आई गेस हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कहां तक कवर कर पाएंगे। टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।